मेरा नाम है सुरजीत एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सुरजीत परमल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग 3 days 2 nights दार्जिलिंग टूर प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोलो है तो कोई टेंशन नहीं, अगर आप फैमिली के साथ घूमते हैं और ग्रुप में ट्रेवल करते हैं सो डोंट वरी, इस वीडियो पर मैं सारे इन्फॉर्मेशन विद बजट शेयर करूंगा, लाइक हाउ टू रीच दार्जिलिंग, वेयर टू स्टे, क्या खाना है, क्या साइट सीन करना है और लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ बजट। सो इस वीडियो को पूरा देखना, ट्राई करूंगा कि सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं डे वन से। डे वन में सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि 8 बजे के अंदर NGP स्टेशन पहुंचाने के लिए। क्योंकि दार्जिलिंग तक डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है या फिर फ्लाइट भी नहीं है। सो बेसिकली दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आप लोगों को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक शेयर कैब, प्राइवेट कार और बस। अगर आप शेयर कैब से जाते हो तो फेयर लगता है अराउंड 300 to 400 rupees, और अगर इससे भी कम में जाना है तो NGP स्टेशन से ऑटो पकड़ के सिलीगुड़ी जंक्शन पर आ जाइए, ऑटो चार्ज 30 rupees लगता है पर पर्सन। जलपाईगुड़ी स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे जो कहेगा कि शेयर कैब नहीं मिलेगा, रिजर्व करके जाना पड़ेगा। बट स्टेशन से थोड़ी देर बाहर की तरफ आने से आप लोगों को बहुत सारे शेयर कैब मिल जाएगा। और सिलीगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग के लिए बहुत सारे शेयर कैब मिल जाएगा अराउंड 200 rupees में। इससे भी कम बजट में और एक ऑप्शन है जो है बस। सिलीगुड़ी जंक्शन से बस चलती है दार्जिलिंग तक, जिसका चार्ज लगता है 90 rupees ओनली। हम लोग जब सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुंचे थे उस टाइम पर कोई बस अवेलेबल नहीं था, सो इसलिए हम लोगों को शेयर कैब बुक करना पड़ा था। सो सोलो ट्रैवलर्स इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जो लोग ग्रुप में आते हैं और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। सो ग्रुप ट्रैवलर्स प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं। NGP से दार्जिलिंग चार्ज है 3000 rupees से 3500 rupees तक एंड सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग 2000 से 2500 rupees। ये डिपेंड करता है आप कैसे डील करते हो। और फ्लाइट में जो लोग आते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से ऑटो पकड़ के बिहार मोड़ आ जाइए, फिर बिहार मोड़ से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मोड़ और जंक्शन तक ऑटो से आ सकते हैं, वहाँ से सेम प्रोसेस में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं रोड के बारे में। दार्जिलिंग जाने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक है भाया कार्सियंग और एक है भाया मिरिक। कार्सियंग के जाने में टाइम लगता है अराउंड 3 hours और फेयर चार्ज लगता है 200 rupees फ्रॉम सिलीगुड़ी, और मिरिक होकर जाने में टाइम लगता है अराउंड 4.5 घंटा, जिसका फेयर लगता है 300 rupees फ्रॉम सिलीगुड़ी। मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गया था इसलिए मुझे ऑप्शन मिल गया था सिलीगुड़ी से मिरिक होकर जाने का। क्या ट्रेजिडी हुआ था आप लोगों को मेरा दार्जिलिंग सीरीज देखना पड़ेगा। बट मिरिक होकर जाने में फायदा है, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्यू मिल जाएगा, आप लोग मिरिक लेक एंड जंगल भी देख पाएंगे। अगर आप 8 बजे तक भी NGP पहुंच के 9 बजे तक से दार्जिलिंग के लिए जर्नी स्टार्ट करते हो तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक दार्जिलिंग पहुंच जाओगे। दार्जिलिंग पहुंच के सबसे पहले आप नेक्स्ट दिन की साइट सीन के लिए कैब बुक कर लीजिए। अगर आप सोलो है तो सिर्फ 5 points के लिए बुक करना, जिसमें आएगा टाइगर हिल, बतासिया लूप, घूम मोनेस्ट्री, जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा, जिसका चार्ज है अराउंड 1500 rupees। बेसिकली दार्जिलिंग साइट सीन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक 3 point, 5 point, 7 point और भी बहुत कुछ, सारे का रेट अलग अलग है।
और ग्रुप ट्रेवलर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग सारे पॉइंट के लिए एक ही कैब बुक कर लीजिए, जिसका चार्ज लगेगा 3500 रुपए से 4000 रुपए तक। इसमें आप लोगों को एक ही दिन में सारा दार्जिलिंग का प्लेस दिखा देगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे कैब ड्राइवर का नंबर दे दूंगा, मैंने जिसके साथ डील किया था, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने आप से भी कैब बुक कर सकते हैं। मुझे 1000 रुपये में 3 पॉइंट का सीन मिल गया था, क्योंकि मैंने जापानीज टेम्पल और पीस पैगोडा पैदल ही किया था और बाकी सारे जो साइट सीन है मैंने पैदल ही कर लिया था। कैसे किया था आप लोग मेरे सीरीज देख सकते, जहाँ पर आप लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्या क्या देख सकते हैं। अभी बात करते हैं होटल के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखना है, होटल आप लोग ऑनलाइन ही बुक कीजिएगा। ऑनलाइन अगर बुक करेंगे तो 600 से बहुत सारे होटल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर दार्जिलिंग पहुंच के बुक करने जाएंगे तो होटल प्राइस स्टार्ट ही होगा 1200 रुपीज से और आपका बहुत टाइम वेस्ट भी होगा। मैंने अपना दार्जिलिंग ट्रिप में 4-स्टार होटल पर भी रुका हूँ और सबसे चीपेस्ट होटल पर भी रुका हूँ। ऑनलाइन बुक करने के टाइम सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, आपका होटल मॉल रोड के आसपास होना चाहिए। मेरा जो 4-स्टार होटल था उसका नाम है सैंडलिंग रिसोर्ट एंड स्पा, जिसका नॉर्मली चार्ज लगता है 3000 रुपीज, बट मुझे उस टाइम ऑफर मिल गया था इसलिए 1100 रुपीज में ही मुझे मिल गया था। और चीपेस्ट होटल में मैंने बुक किया था देनजोंग रिट्रीट होटल, जिसका मुझे चार्ज लगा था अराउंड 600 रुपीज। ये होटल भी एवरेज था और सोलो ट्रैवलर के लिए बेस्ट है कम बजट में। ये दोनों ही होटल का मॉल रोड से डिस्टेंस था ओनली 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। होटल पहुंच के आप लोग फ्रेश होके 3 बजे के अंदर निकल जाइए लोकल साइट सीन के लिए। सबसे पहले जाइए महाकाल टेम्पल, जो मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस में है। महाकाल टेम्पल घूमने के बाद आप मॉल रोड पर कुछ टाइम बिताइए और टाइम मिले तो दार्जिलिंग स्टेशन तक जा सकते हैं। कुछ लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक मोमोस, थुकपा, चिकन ताई पाओ और भी बहुत कुछ। इसके बाद रात का डिनर कंप्लीट करके 9 बजे के अंदर सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह के 4 बजे से आपका जर्नी स्टार्ट होगा। फूड्स के लिए कितना खर्चा हो सकता है मैं वीडियो की एंड्स में बता दूंगा। डे 2 में 4 बजे कैब ड्राइवर आपको फोन करके उठा देगा। 4:30 बजे के अंदर आपको टाइगर हिल के लिए निकल जाना होगा। टाइगर हिल में सनराइज देखने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे बतासिया लूप और घूम मोनेस्ट्री देखने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए बतासिया लूप पे। सो टाइगर हिल देखने के बाद अभी हम लोग आए हैं बतासिया लूप देखने। चलते सो गाइस, बतासिया लूप का जो एंट्री फीस है 20 रुपये। यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 1 है, आप ट्रेडिशनल जो दार्जिलिंग ड्रेस है वो पहन सकते हैं और पहन के बहुत ही सही लगेगा। मैंने तो ट्राई नहीं किया था, बिल्कुल बहुत ठंड है अभी मुझे ड्रेस उतरना नहीं है। 2nd है, आप चाहे तो यहाँ से दूरबीन से कंचनजंगा देख सकते हैं, लेकिन कंचनजंगा देखने के लिए भी अभी क्लाउड है चारों तरफ, तो क्लाउड्स खाली नहीं है, तो मैं भी वो नहीं देखा, तो 50 रुपये लेते हैं। और 3rd है, यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है, सो अभी तो टॉय ट्रेन नहीं जा रही है, सो आप लोगों को दिखा नहीं। बाकी प्लेस बहुत ही सही है और 1 घंटा टाइम सही है यहाँ पर बिताने के लिए और व्यू बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ से। और इसके बाद आप लोग चले जाएंगे जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा।
अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोडा मस्ट विजिट करना। ये दोनों प्लेस ही बहुत ही सुंदर था। ऐसे तो देखा जाए तो मैंने अपने सीरीज में सारे कुछ ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप लोगों को अच्छे से देखना है तो मस्ट भी मेरा जो ट्रैवल सीरीज है पूरा देख लीजिए एक बार। ये सब देखते देखते सुबह के 9 बज जाएंगे। अगर आप 5 पॉइंट के लिए कैब बुक किया है तो ड्राइवर आपको मॉल रोड के पास ही छोड़ देगा, और अगर आप पूरा दिन के लिए बुक कर लिया है तो मॉल रोड के पास ब्रेकफास्ट करके आपका जर्नी फिर से स्टार्ट होगा। सेकेंड हाफ में आप स्टार्ट करेंगे जू से। यहाँ की जू का जो मेन खास बात है वो है रेड पांडा। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, तो अंदर जाने के लिए टिकट काटना पड़ेगा। टिकट काटते हैं फिर चलते हैं। टिकट प्राइस था 60 रुपीज पर पर्सन। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आप लोग एक रोड मैप देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप लोग जू अच्छे से घूम सकते हैं। सो हम लोग अभी अंदर घुस चुके हैं। सबसे पहले जा रहे रेड पांडा देखने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। मैं ऑलरेडी आप लोग को मैप दिखा चुका हूँ, तो रेड पांडा देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ की तरफ चलते हैं। के लिए मिनिमम 2 आवर्स लगता है। मॉल रोड से 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। इसके बाद जू से आप चले जाइए तेंजिंग रॉक के लिए। यहां पर क्लाइंबिंग भी होता है। तेंजिंग रॉक से वापस आने के टाइम हैप्पी वैली टी स्टेट देख लीजिए। असम लग रहा है गाइस। अभी तो टी स्टेट पर अगर आप लोग ना आए, ये टी गार्डन पे मस्त भी आइए, बहुत सही लग रहा है। आप लोग को दिखाते हैं। हैप्पी वैली टी स्टेट के बाहर एक आंटी की शॉप है जहाँ पर बहुत ही अच्छी चाय मिलती है। आंटी का थोड़ा वीडियो देख लो आप लोग। उसी समय में, अरे आंटी जी आपने तो निमन तरह से गा दिया। कैसा है विशाल? बहुत औसम, बहुत औसम। टेस्टी है? बहुत ही ज्यादा। प्लीज ट्राई कीजिए इसको जल्द। तो ये सब देखते देखते ही मेरा डे 2 खत्म हो गया था। अगर आप लोगों को टाइम मिले या फिर आप लोग कैब से घूम रहे हो तो रोपवे का भी मजा ले लीजिएगा। मैं कैब से साइड से नहीं कर रहा था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। सो अभी बात करते हैं डे 3 के बारे में। डे 3 में आप लोग 2 चीज कर सकते हैं। टॉय ट्रेन में जॉय राइड कर सकते हैं या फिर रॉक गार्डन में घूमने जा सकते हैं। रॉक गार्डन के लिए आप लोगों को अलग से कैब बुक करना पड़ेगा। मैंने ये दोनों ही नहीं किया था क्योंकि मेरा एक अपबीट डेस्टिनेशन का प्लान था नेक्स्ट 2 डेज के लिए। आप लोग अगर मेरे सीरीज देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गया था। दोनों में से कोई भी प्लेस घूमने के बाद आप लोग वापस आने के ट्रेन के टाइम के हिसाब से मिनिमम 5 घंटा पहले दार्जिलिंग से निकल जाइए सिलीगुड़ी के लिए। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। बेसिकली दार्जिलिंग में बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। इसमें से 2 बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। एक है केवेंटर्स एंड और एक है ग्लिनरीज। 2 जगह में ही मैंने डिशेस ट्राई किया है, लेकिन मानिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मेरा खर्चा हुआ था अराउंड 700 रुपीज फॉर 2 पर्सन। आप लोग भी किसी भी एक रेस्टोरेंट में मस्ट भी ट्राई कीजिएगा। क्या डिशेस ट्राई करना है इसके लिए मेरा सीरीज देख लीजिए।
ऐसे तो दार्जिलिंग लोकल फूड्स बहुत ही सस्ता है, लाइक चिकन मोमो 60 रुपीज, मैगी 50 रुपीज, थुकपा 50 रुपीज, सो फ्रूट्स के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो बात करते हैं अभी टोटल बजट के बारे में। होटल के लिए मैंने पकड़ लिया है 1200 रुपीज फॉर 2 डेज। ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने एवरेज पकड़ लिया है 600 रुपीज दार्जिलिंग आने और जाने के लिए। फूड्स के लिए हर दिन मैंने 400 रुपीज लिया है, टोटल 1200 रुपीज होता है 3 डेज के लिए। और साइट सीन के लिए मिनिमम 1500 रुपीज, क्योंकि टाइगर हिल के लिए कैब मास्ट भी बुक करना है, बाकी चीज़ आप पैदल ही घूम सकते हैं। और कुछ एंट्री टिकट्स के लिए मैंने लिया है 300 रुपीज, अगर आप रोपवे का भी मजा लेते हो तो इसमें आ जाएगा। सो टोटल हो जाता है आपका 4800 रुपये। ये प्राइस है एक सोलो ट्रैवलर के लिए। अगर आप ग्रुप में आते हो या फिर 2 जन भी आते हो तो खर्चा होगा 3 से 3500, क्योंकि होटल का एंड साइट सीन का खर्चा डिवाइडेड हो जाएगा। तो यही है मेरा 2 नाइट 3 डेज का प्लान। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, आप लोग मत कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से घूमिए। और जानकारी के लिए मेरे वेब सीरीज देख लीजिए।